1987 सचिन रमेश तेंदुलकर फर्स्ट हुआ। हर पर्वत पे मणि मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी नहीं होते। मैं जब भी उसको देखता हूं तो मेरे दिल से आवाज निकलती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यार ये लाइट जला के रखो यार, ये लाइट जला के रखो यार, अंधेरा नहीं अच्छा लगता, लाइट जला के। हाँ, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, दैट्स इट, दैट्स इट। अब आंखों से आंखें मिलेंगी, अब आएगा खेल का मजा। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। सचिन रमेश तेंदुलकर 1987 पाकिस्तान, दैट्स हिज फर्स्ट टूर, घुंघराले बाल, 15 साल का बच्चा। और लोग कहते थे यार मुर्गी को भेड़ियों के आगे डाल दिया। भेड़िए कौन? वकार यूनस, वजीम अकरम, इमरान खान, आकिब जावेद। वजीम अकरम तो रात को कई बार सपनों में भी आता था, 12:30 बजे उठ उठ उठ, जुम जुम इधर से उधर से, इतनी इतनी घास पिचों के ऊपर, इतनी इतनी घास। इमरान खान ने बोला है कि तुम अगर घास काटोगे तो गर्दन उड़ा दूंगा, हिंदुस्तानियों को हराना है। और गेंद जूं झां, पहला टेस्ट मैच तेंदुलकर गेट्स आउट ऑन 0-7, मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट दैट। सेकंड टेस्ट मैच ही गेट्स आउट ऑन 12, थर्ड टेस्ट मैच ही इज ड्रॉप्ड इन पाकिस्तान, ही इज ड्रॉप्ड फॉर द थर्ड टेस्ट मैच। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट बॉस, हाउ ही हैंडल्स एडवर्सिटी। एंड द फोर्थ टेस्ट मैच, वी ड्रॉन 3 टेस्ट मैचेस, द फोर्थ टेस्ट मैच इज एट सियालकोट। सियालकोट में पूरी हरी पिच, ये नहीं पता लगता ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है। उनपे गाय भैंस भेड़ बकरियां 2 हफ्ते चार लो, वो मरेगी नहीं, इतना घास था उस पिच के ऊपर बॉस। पांचवा दिन इंडिया टॉटरिंग एट 22 for 4, मैं बीट हुए जा रहा हूं इधर से उधर से, नई नई शादी हुई है, मैं कहा यार घर पहुंचूंगा, घरवाली को मिलूंगा या नहीं, भगवान आउट ही करा दे किसी तरीके, यहां से जान तो बचा है। एंड द बॉल इज जस्ट डिविएटिंग, जूम जाम जूम जाम, रवि शास्त्री मेरे सामने खड़ा है और वसीम अकरम ने बाउंसर मारी ठपैक, कान के पास से सीटियां बजाती गई, मैंने यूं किया शैंक, वो यहां से निकल गई। रवि शास्त्री आया, वेरी वेल लेफ्ट सिक्स, मैं कहा मुझे तो दिखी नहीं गुरु है। अब तुम ये सोचो 160 पे गेंद आ रही है तुम्हारे ऊपर, जब तुम रेल में बैठते हो ना तो उस पेड़ दिखने बंद हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार इसने शॉट अच्छी तरह प्लान नहीं किया। अबे प्लान कद्दू घुइयां करेगा, 170 पे गेंद आ रही है, रिएक्शन होगा ना, क्या करेगा प्लान क्या, 170 पे जूम करके गेंद आ गई। तो मैं कहा यार मुझे तो दिखी नहीं, तो रवि शास्त्री बड़ा बेचारा बड़ा यूं होके वापस गया डिजेक्टेड। नेक्स्ट ओवर विशियस नॉट अ बॉस, अ बाउंसर दैट रेक्स अप स्पैक करके उसके दस्ताने पे लगी और रवि शास्त्री आउट 25 for 5। और रवि शास्त्री अंग्रेजी बोलता हुआ मेरे सामने से जा रहा है, I'm unlucky. I should have gone to a church. मैं सोच रहा हूं मन में, तू सबसे लकी आदमी है, तू आउट होके जा रहा है, मैं यहां अभी भी झेल रहा हूं और वसीम अकरम पेल रहा है, कर क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। एंड ठोक लो ठोक लो, कोई चक्कर नहीं है, दिल से ठोको यार, कोई चक्कर। तो सामने सडनली 25 for 5 एंड आई लुक टूवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम बॉस, तो सामने से तेंदुलकर चला आ रहा है। Suddenly my lights in the eye become very very effervescent boss. मैं कहा गुरु अब आएगा मजा, ये तो बलि का बकरा है, ये तो आउट होकर जाएगा, पीछे तो कुंबले शुंबले हैं साइकिल स्टैंड की तरह, एक को धक्का मारो धड़ धड़ सारे नीचे जाएंगे। मैं कहा वाह वाह नवजोत सिंह छा गया गुरु, अब तो हो गया मामला शुरू, कोई चक्कर ही नहीं है। लै मैं कहा यार लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर नहीं है। मैं बड़ा तगड़ा होके ना तेंदुलकर के पास गया, लोग सोचते पता नहीं क्या बात करते हैं आपस में, मैं सुनो मैं क्या करता हूँ, शाबाश शाबाश टेंडलिया, मैं उसको टेंडलिया बोलता था, शाबाश शाबाश ठोक के, शाबाश शाबाश। ये ठोक के मैं अब नहीं बोलता हूं, तब से बोलता हूं। तो जी वो चालू हुआ, पहली गेंद फर्स्ट बॉल दैट कट्स हिम इनटू टू हाफ्स, यू नो ज़ूम अंदर से गई और वकार ने यूं करके किया उसको 150-160 पे गेंद करता था वो। वकार वॉज लीथल इन दोज डेज बॉस, लीथल, पक्के इंजन होता है ना जैसे वैसा था। नेक्स्ट बॉल He bowled the bouncer. Sachin Tendulkar tries to hook. Ball inside edge. 170 पे नाक पे. जैसे आटे की बोरी गिरती है ना ये, वो ठपैक।
एंड द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माई माइंड इज मर गया छोरा, मैं क्या गया गुरु. एंड आई रन टूवर्ड्स तेंदुलकर बॉस, देयर इज ब्लड गशिंग फ्रॉम हिज नोज, द शर्ट इज ब्लड स्प्लैटर्ड, ओए ओए सब हो रहा है उधर, एंड इज ग्रोनिंग. मेरे को लगा यार खत्म ही ना हो जाए, यू नो आंखें काली पड़ गई हैं, एक सेकंड में ऐसे ब्लड ब्लड सारा चारों तरफ. एंड आई शाउट फॉर हेल्प बॉस, मैं सामने देखा हूं प्लम्प एज अ पार्ट्रिज, डॉक्टर अली रानी इज कमिंग इन. उसका इलाज तेंदुलकर के रोग से ज्यादा खतरनाक है, उसको एक ही चीज आती है, बर्फ की सिल्ली सर के ऊपर और सेरिडॉन की गोली मुंह के अंदर, कुछ नहीं. तो चले आ रहा है, मैं कह ले बॉस हिज रेमेडीज आर वर्स देन हिज इलनेस. तो मैं कह ले भाई अब तो वैसे ही काले अक्षर वाले कार्ड ही ना छप जाए, गुरु हो गया काम आज तमाम हो गया. मैं कह छह आउट तो हो गए, अब सातवां पता नहीं कौन आता. मैं नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ जा रहा हूं, एंड सडनली आई हियर अ स्क्वीकी वॉइस. मैं अवाक रह गया बॉस, मैं अभी भी कहानी सुनाता हूं ना तो मेरे लोहे खड़े हो जाते हैं. आई टर्नड अराउंड एंड आई लुक्ड, द यंग बॉय 15 and a half had failed in 4 innings, had nothing to gain in that situation, was standing up, रुई नाक से लटक रही ऐसे करके, खून बह रहा है और अली को धक्के मार रहा है. मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा. यू नो एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई, मैं कह यार सरदार तूने 3 सेंचुरियां बना रखी हैं स्टोर पे और तू घरवाली की सोच रहा है, और ये बच्चा 15 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ने की सोच रहा है, इट्स अनबिलीवेबल, यू नो सुपर, इट वॉज समथिंग अनबिलीवेबल बॉस. एंड दैट्स व्हेन आई रोट दीज लाइंस, के जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार. तो you know good deeds speak for themselves, the tongue only interprets their eloquence. And suddenly main uske paas jaake khada ho gaya, main kaha Tindlya I'm really proud of you boss, I'm really, hey Sheri you don't have to be proud, we can't lose this test match re, hamare desh ki saakh daav pe lagi hai. Unbelievable it was boss, mere aaj bhi hairan ho jata hu. Next ball I knew was going to be a yorker, mujhe pata tha वो टो क्रशर आने वाली है, या तो गिट्टा बचाओ या दोनों नहीं बचते थे, गिट्टे पे लग के डंडे पे लगती थी गेंद. मैं कह ले भाई ये हुन यॉर्कर मारेगा वकार, बिकॉज पिछले टूर्नामेंट में आई हैड प्लेड हिम इन शारजा, आई वांटेड टू, ही हैड बोल्ड 5 पीपल फर्स्ट बॉल, उनमें मैं भी था, मेरा भी शुमार था. तो मैं ड्राइव मारने गया बाहर वाइड, और वो गेंद को बनाते थे रिवर्स स्विंग के लिए, इतनी स्विंग हुई डंडा मेरा बाहर, मैं तो बाहर निकल रहा था, मैं तो कपिल पाजी मुझे अंदर ग्रीट कर रहे, सरदार हाँ जी पाजी अन्ना हो गया तुम, आर यू ब्लाइंड, और शेर पानी नहीं पीते जंगल में, हट 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 छुट ले जा छोड़ दे. तो अब तो मूड में आ गए गुरु, मूड में आ गए. तो देखो लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो जाए, जंगल का राजा शेर ही होता है, क्योंकि शेर में जुर्रत होती है. क्यों तुम भी तो शेर ही हो, शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीरें फाड़ें खाएं पिए आनंद करें, है कि नहीं. तो यू नो सचिन रमेश तेंदुलकर इज फेसिंग वकार, और मुझे पता था वो डंडा हो गया ना, जैसे आउट होके मैं बाहर जा रहा था शारजा में, तो कपिल पाजी अंधा हो गया सरदार, मैं कह सॉरी पाजी सॉरी सॉरी सॉरी, मैं निकल गया. तो पाजी जाके पहलवान की तरह डक 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 डक, तो मैं तो इधर से बोल्ड हुआ, पाजी पिछवाड़े से पहली बॉल डंडा बाहर, वो बाहर आए तो मैंने अनिल कुंबले की एनक लेके गया, मैं पाजी आपको दिख रहा है, बॉड करके जोर से मारा मेरे. तो आई न्यू दैट यॉर्कर वॉज कमिंग बॉस, एंड तेंदुलकर हैड एंटिसिपेटेड दैट यॉर्कर. उस अवस्था में नाक टूटा हुआ, आंखें बंद, खून बह रहा है, शर्ट ब्लड स्प्लैटर्ड, ही बोल्ड हिम अ यॉर्कर एट 160 एंड ही वॉज 1.5 feet बिहाइंड द क्रीज, हिज ब्रेन वॉज टिकिंग. 170 उसकी तरफ आई, 190 मेरी तरफ, ठपैक, मैंने यूं किया बीच में से निकली और होर्डिंग पे लगी ठां करके वापस, और वकार यूनुस ने यूं करके उसको घिरा. मुझे घूरता तो मैं तो सूरज चांद सितारे देखता था, कसम से बोल रहा हूं, और मेरे अगर लगती तो मैं होश में भी नहीं आता था, 5:30 से पहले आंखें भी नहीं खोलता था, सच्ची बोल रहा हूं तुमको. हाँ तो वो उसने यूं करके घूरा तो सचिन वॉक्ड अप टू हिम, ही जस्ट वॉक्स अप टू हिम एंड राइट लुक्स इनटू हिज आईज एंड ही सेज ए Hey, उंगली कटुआ, उसका ना उंगली कटी हुई है वकार की, तुझा मक्खन रे तुझा मक्खन, इसे तू मक्खन है मक्खन,
मैं कहा वाह गुरु, गर्म पराठे में मक्खन पिघल गया, वकार यूनिस को ठोक दिया इसने। ही स्कोर्ड टू बाउंड्रीज इन दैट ओवर। नवजोत सिंह सिद्धू 97 नॉट आउट, सचिन रमेश तेंदुलकर 67 नॉट आउट, नॉट अ सिंगल विकेट फेल दैट डे एंड वी ड्रू दैट टेस्ट मैच। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट चैंपियन। वो कमजोरी को ताकत में तब्दील करता है, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाता है, हार को जीत में तब्दील करता है। यही एक चैंपियन की सोच है बॉस। अ चैंपियन हैज द टेनेसिटी टू क्लॉ आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जैसे तेंदुलकर कम बोलता है, अरे क्यों बोलता है, उसका बल्ला बोलता है गुरु, बल्ला बोलता है उसका। दैट्स व्हाट इट इज। वीरेंद्र सहवाग